Welcome back to our channel Reaction on India. मेरा नाम है नाजिया. मेरा नाम है मिनाहिल. तो आज इस वीडियो पे हम रिएक्शन देने जा रहे हैं. उसका टाइटल है मुंबई सिटी टूर 2023 द नेक्स्ट दुबई मॉडर्न इंडिया. और इनके चैनल का नेम है यात्रा व्लॉग्स. सो आज हम लोग इस वीडियो पर रिएक्शन करने जा रहे हैं. वीडियो का लिंक और टाइटल आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. जरूर से चेकआउट कीजिएगा इनके चैनल को. और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें. और बाकी लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वहां उसको फॉलो करें. सो जल्दी से बढ़ते हैं वीडियो की जानिब और देख लेते हैं ये वीडियो. वेलकम बैक टू अगेन एक और नई वीडियो के साथ में. काफ़ी मसालेदार वीडियो है ये कि अभी हम इंडिया के बारे में लोग क्या सोचते हैं, कैसा दिखता है इंडिया. तो मेरे सामने आप देख रहे हो 2023 में हम लोग इस तरीके से हमारे शहर दिखने स्टार्ट हो चुके हैं. एक बिल्कुल इंटरनेशनल लेवल के. मैं इसको दुबई और शंघाई के साथ में कंपेयर बिल्कुल कर सकता हूँ. आप मेरे सामने बिल्कुल न्यू मेट्रो एकदम, फिर इसकी सेकेंड मेट्रो भी है और यहाँ पर मोनो रेल भी चलती है. और ये मेरे सामने व्यू देखिए, मुझे बिल्कुल अच्छा लगा. ऐसे मैं सिंगापुर में आ चुका हूँ. सिंगापुर में कुछ कुछ एरिया बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही दिखते हैं. सो गाइस एयरफोन लगा लीजिए, सफ़र में बहुत ही मज़ा आने वाला है. मैं आज आपको पूरा मुंबई सिटी टूर करवा रहा हूँ. फेमस प्लेसेस नहीं, ओनली सिटी टूर के शहर कैसा दिखता है. उससे पहले लेकिन आपको वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा, कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताना वीडियो कैसी लगी. और नेक्स्ट वीडियो आपको किस पर चाहिए वो भी बताना. तो अभी मैं हूँ बोरीवली एरिया के अंदर. और बोरीवली एरिया का व्यू अभी कुछ ऐसा दिखता है, और कुछ टाइम पहले ऐसा बिल्कुल भी नहीं था. बहुत ही तेज़ी से चेंज हो चुका है अभी बोरीवली का व्यू. साइड में देखिए मेट्रो चल रही, बिल्कुल न्यू मेट्रो 2023 की. और सामने है बोरीवली का स्काईलाइन. और यहाँ पर रोड्स के ऊपर बहुत तेज़ी से काम चल रहा है. तो 2024 तक तो मुंबई वैसे भी चेंज होने वाली है, लेकिन अभी आप देखिए मुझे शहर बिल्कुल बहुत अच्छा लगा. अभी हम चलते हैं बोरीवली के मेट्रो स्टेशन के ऊपर. मैं आपको दिखाता हूँ स्टेशन कैसा बना हुआ है. आप इसको देख के कैसा फील कर रहे हो, मुझे तो बहुत अच्छा लगा. मेट्रो काफ़ी खूबसूरत स्टेशन बना रखा है और बिल्कुल क्लीन, एकदम क्लीन, मतलब आपकी शक्ल भी दिख रही थी. ऐसा स्टेशन बिल्कुल मेंटेन किया हुआ है यहाँ पर. तो अभी मैं जाता हूँ लिफ्ट से ऊपर और आपको एक और मेट्रो दिखाता हूँ. काफ़ी ब्यूटीफुल सी मेट्रो है. और फिर हम मेट्रो से सफ़र करते हुए आपको मुंबई स्काईलाइन का भी व्यू मैं आपको दिखाऊंगा. मेट्रो काफ़ी गाइस मॉडर्न बनी हुई है और अंदर से कुछ व्यू ऐसा लगता है एकदम क्लीन और मस्त. ये है मुंबई का स्काईलाइन व्यू, बिल्कुल ब्यूटीफुल सा. और 30 रुपये मेरे लगे थे एक तरफ जाने के, तो प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा नहीं है. इंडिया के अंदर ट्रांसपोर्टेशन आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा सस्ता. और सेकेंड चीज़, मुंबई बहुत ज़्यादा है ग्रीन. यहाँ पे आपको बहुत अच्छे अच्छे फूल पेड़ पौधे आपको देखने को मिल जाएंगे. और 250 प्लस स्काई स्क्रेपर अभी अंडर कंस्ट्रक्शन में, यानी टावर 250 से ऊपर वो बन रहे हैं. तो आप समझ सकते हो कि ये मुंबई को किस लेवल पे लेके जाने वाला है. स्काई स्क्रेपर जो बोलते हैं ना सिटी के मामले में, मुंबई वो लिस्ट में शामिल बहुत जल्दी होने वाला है. तो अभी मैं मेट्रो से उतर चुका हूँ. अभी मैं जा रहा हूँ दूसरे मेट्रो की तरफ. और वो स्टेशन का वॉक कुछ ऐसा दिखता है, बिल्कुल एकदम कांच के बिल्डिंग है. और यहाँ पे नेक्स्ट लेवल मुझे लगा स्टेशन के. नहीं के मुंबई रियली में बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है, जैसा आप इस वीडियो के अंदर देख रहे हो. तो अभी मैंने लिया टैक्सी और टैक्सी का मेरा प्राइस लगा था 50 रुपये, ताकि मैं आपको रोड से भी व्यू दिखाऊं. अभी मैं जा रहा था साउथ मुंबई की तरफ, मरीन ड्राइव की तरफ. और वहाँ जाते हुए कुछ इतना ब्यूटीफुल सा व्यू दिखता है. सामने देखिए स्काईलाइन दिख रहा है, ट्विन टावर है, अंबानी जी का घर भी है वहाँ पर. और मुझे ये एरिया बहुत अच्छा लगा. इसको बोलते हैं साउथ मुंबई. और 2023 के एंड तक यहाँ पे मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक वो भी रेडी होने वाला, मुंबई कोस्टल रोड यहाँ पे होने वाला रेडी. और बहुत सारे मेट्रो प्रोजेक्ट भी बन रहे हैं, तो मुंबई को काफ़ी नेक्स्ट लेवल तक ले जाने वाला ही है. तो वहाँ से होते हुए मैं भी आ चुका हूँ प्रभा देवी. और प्रभा देवी से मैंने सिर्फ पैदल वॉक ही किया, ताकि मैं आपको रियलिटी दिखा सकूँ कि मुंबई अंदर से कैसा लगता है डीप से. यार ये बहुत छोटा है, आप देखिए मैं बिल्कुल पैदल वॉक करते हुए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे यहाँ पर बिल्कुल साइकिलिंग के लिए बना रखा है ट्रैक. पास में गार्डन बना रखे, उसके साइड में लगाया हुआ है ट्री. सामने दिख रहा है पूरा स्काईलाइन. तो गाइस
मैं पूरा अंदर तक घूमा और इस एरिया को देख के आपको कैसा फील हो रहा है मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताना। और जिस हिसाब से मुंबई डे बाय डे चेंज होते जा रहा है, तो क्या ये इंटरनेशनल लेवल की सिटी बन चुकी है या फिर अभी और ज़्यादा टाइम लगेगा इसको बनने में। एंड गाइस एक बात मैं जरूर बोलूँगा, मुंबई ग्रीन बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे इसकी खूबसूरती डे बाय डे बढ़ती जा रही है, क्योंकि यहाँ पे नए नए प्लांट्स के ऊपर भी काम किया जा रहा है। और जो मुंबई कोस्टल रोड अभी जो बन रहा है ना, उसके ऊपर 75% के ऊपर सिर्फ और सिर्फ गार्डन, वॉकिंग ट्रैक और साइकिलिंग ट्रैक और जिम वगैरह पे ही ज़्यादा फोकस किया गया है। और गाइस ये है रोड से व्यू और सामने देखिए मुंबई स्काईलाइन, और ये एरिया हाजी अली वाला एरिया है और यहाँ पे काफ़ी मॉडर्न बस भी आ चुकी है, अभी मुंबई के अंदर वो आ चुकी है डबल टेकर बस। तो अभी मैं आ चुका हूँ मरीन ड्राइव, जिसको बोलते हैं साउथ बॉम्बे का हार्ट, और ये प्लेस काफ़ी ब्यूटीफुल है। आप मेरे सामने देख रहे हो वहाँ चल रहा है कोस्टल रोड का काम, और अभी दोपहर का टाइम था तो इतनी भीड़ है, शाम के टाइम पर तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाती है। आई होप गाइस अगर आपको मेरा काम अच्छा लगा या मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट करके जरूर बताना। और नेक्स्ट वीडियो में कौन सी शहर के ऊपर लेकर, मेरा मन तो हैदराबाद का कर रहा है लेकिन आप लोग मुझे जरूर बताना कौन सा शहर में लेकर। मुंबई में इस ब्रिज को भी कलरफुल कर दिया, साइड में पेड़ पौधे भी लगा चुके हैं, काफ़ी मुझे बहुत सिटी अच्छी लगी। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ध्यान रखिएगा। सो वीडियो हम लोगों ने वॉच की मुंबई, जिसको भाई द सिटी ऑफ ड्रीम्स कहा जाता है, और लोगों के बड़े बड़े ड्रीम्स यहाँ आकर पूरे होते हैं। अगर किसी को जॉब की जरूरत है या कोई भी किसी ने अपना फ्यूचर बनाना है तो सब लोग मुंबई की तरफ ही रुख करते हैं कि भाई वहां पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। हालांकि अभी बाकी जो सिटीज हैं वो भी बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो गए हैं, स्मार्ट सिटीज हो गए हैं, वो भी नो डाउट के वहां पर भी बहुत सारे जॉब फैसिलिटीज या आप बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी एक बिजनेस हब है एक टाइप के। लेकिन मुंबई की भाई अपनी ही बात है, पुराना सिटी है और जाहिर सी बात है 2023 में मुंबई को, जैसे इन्होंने स्टार्ट में कहा कि शंघाई या मैं दुबई से कंपेयर करूं तो कुछ गलत नहीं होगा। और वाकई कुछ रोड्स ऐसी थी, जैसे एक हाजी अली रोड इन्होंने बताया, मतलब बहुत फॉरनर लुक दे रही थी, वो लग रहा था कि जैसे हम किसी फॉरेन कंट्री में है। और जो कोस्टल इन्होंने रोड बताई जो कि बन रही है, जिसका 75% काम हो गया है और अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और वो भी उन्होंने कहा कि काफी जिम वगैरह वहां पे, गार्डन टाइप और इस टाइप की, मतलब हमने तो एक श्रीनगर का देखा था व्लॉग, उसको इतना डेवलप कर दिया हुआ है, तो ये तो फिर मुंबई है भाई। जैसे इन्होंने भी स्टार्ट में कहा था कि इसको शंघाई या दुबई से कंपैरिजन करना, अगर आपको याद हो हमने इस पे एक वीडियो भी की थी जिसमें मुंबई और दुबई का जो है वो कंपैरिजन किया गया था, हर लिहाज से, पॉपुलेशन के लिहाज से या जीडीपी के लिहाज से और जो बिल्डिंग्स के लिहाज से, तो मुंबई जो है वो दुबई को बिल्कुल टक्कर का लेवल जो है वो दे रहा था, इतनी जबरदस्त उधर की बिल्डिंग थी। और जब नाइट व्यू दिखाया गया था दोनों कंट्रीज का तो वो भी बिल्कुल सेम ही था। तो मुंबई जो है वो नेक्स्ट कुछ सालों तक जो है वो बिल्कुल दुबई के लेवल तक आ जाएगा। और अभी भी अगर बात की जाए तो कोई कम वो मतलब इतना कोई दूर नहीं है, मतलब अगर आप कह लो कि इतना कोई फर्क नहीं है दोनों कंट्रीज में, सेम सेम ही लगता है। और मुझे वो बात बड़ी अच्छी लगी कि इन्होंने साइड में जो है ना वो साइकिल वालों के लिए एक लेदर ट्रैक बनाया हुआ था। हाँ, तो मतलब ये होता है के लिए भी, हाँ, और कि वरना साइकिल वाले भी जो है वो उन्हीं मतलब जहाँ पे गाड़ियां वगैरह उसी रोड के ऊपर चल रहे होते हैं तो जरा मुश्किल हो जाता है। तो ये कि उनका एक अलग ट्रैक था। और दूसरा आपने वो जो हाजी अली रोड की बात करी थी, वो रोड के ऊपर जो उन्होंने पेंट किया हुआ था है ना, वो बहुत जबरदस्त लुक दे रहा है। ब्लू कलर का पेंट था, नहीं व्हाइट कलर से वो जो रोड के ऊपर पेंट हुआ हुआ था, तो वो बड़ा जबरदस्त लुक दे रहा था। और अगर हम मेट्रो की बात करें तो वैसे ही वो इंडिया के अगर इंफ्रास्ट्रक्चर वो सॉरी मेट्रो जितने भी उधर है इंडिया में जितने भी मेट्रो स्टेशन है उनकी अगर बात की जाए तो सब एक से बढ़कर एक है। और जैसे वो ट्रेन के अंदर वो दिखा रहे थे, लोकल चल रही थी ना ये लोकल ट्रेन, हमारी तो लोकल ही लोकल तो खैर है ही नहीं, लेकिन जो चलती है वो भी इसके काबिल नहीं है, इनकी लोकल इतनी जबरदस्त किस्म की थी, अंदर इतनी जबरदस्त वो लग रही थी और के जो स्टेशन से वो भी बहुत ही जबरदस्त थे। और अगर हम बात करें स्काई स्क्रैपर्स की, तो नो डाउट मुंबई में वैसे स्काई स्क्रैपर्स बहुत ज्यादा तादाद में, और अभी 250 के करीब उन्होंने बताया कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है और बन रहे हैं। तो मतलब मुंबई को स्पेशली मैं कहूंगी, बाकी आई थिंक इतने सिटीज में इतने स्काई स्क्रैपर्स नहीं है, अगर मैं रॉन्ग हूँ तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। लेकिन मुंबई जो है ना वो एक ऐसा सिटी है कि उसको कम्प्लीटली ये फॉरेन लुक की टाइप पर लेके आ रहे हैं, अगर आप स्काई स्क्रैपर्स को ले लो। अच्छा, एक बहुत बड़ा स्काई स्क्रैपर था, मुझे अब उसका याद नहीं आ रहा, वो हमने किस में देखा था, मुंबई में देखा था या गुड़गांव में देखा था, एक बहुत बड़ा स्काई स्क्रैपर था, तकरीबन उसकी जो हाइट है वो भी तकरीबन 200+ मीटर थी।
वो मुझे अभी सिटी का नाम नहीं याद आ रहा, अगर आप अगर जानते हो तो आप लोग जरूर बताइएगा। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर इंडिया में है, इतनी चीजें, मतलब अमेजोन का ऑफिस इंडिया में है, अगर गूगल की बात करें उनका ऑफिस जो है वो इंडिया में, तो मतलब बहुत सारी चीजें। अगर सीईओ की हम बात करें, फेसबुक का सीईओ आप लगा लो, का हाँ एप्पल का हेड ऑफिस भी वहां पर है, तो सीईओ भी जो हैं वो इंडिया से इतने ज्यादा हैं। तो मतलब तरक्की की अगर हम बात करें तो हम कितनी कितने घंटों बोल सकते हैं। अब तो हमने काफी वीडियोस भी देख चुके हैं, काफी इतना अगर ज्यादा नहीं नॉलेज, लेकिन फिर भी काफी हद तक हमें नॉलेज हो गया इंडिया के बारे में। तो बाकी खूबसूरती अब बहुत ज्यादा थी, बहुत बाकी ग्रीन भी लगा, यार मुंबई नीट भी सिटी बहुत था, नीट भी नीट बहुत था ज्यादा था। यार, मुंबई एक मेन सिटी है वहां का, कैपिटल वो भी है, वो कहते हैं ना, वैसे तो दिल्ली है कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल जो है वो मुंबई है। तो मतलब जाहिर सी बात है आपका फाइनेंशियल कैपिटल है, जैसे इस्लामाबाद जो है वो कैपिटल है, लेकिन कराची आई थिंक कराची। फाइनेंशियल कैपिटल है पाकिस्तान का। तो ज़रा उसको खूबसूरत होना भी चाहिए आपकी, मतलब मेन आपका एक सिटी है, तो वो अगर खूबसूरत नहीं होगा तो फिर क्या ही होगा। तो बहुत अच्छा लगा, और बाकी लुक दे रहा था फॉरनर कंट्रीज की। कंट्री की अच्छा, दे रहा मेरे था। जहन में बात, जब वो एंटीलिया की बात हो रही थी, वो अंबानी वो के हाउस की, तो मेरे जहन में एक बात आ रही थी कि मतलब हम लोगों के घरों के तो कोई नाम नहीं होते, मतलब मिडिल क्लास फैमिली है लोग, लेकिन जो अपर क्लास लोग होते हैं उनके घरों के भी नाम होते हैं भाई, नाम है एंटीलिया हाउस। इंटीरियर, जैसे शाहरुख खान के घर का नाम मन्नत है, हाँ मतलब ऐसे सभी का कोई ना कोई कोई नाम ना कोई होगा। नाम, हाँ, किसी बेस पे इन्होंने मेरे ख्याल से कोई नाम चाम रखे होंगे, इंटीरियर के पीछे भी कोई ना कोई मकसद होगा, या शाहरुख के जो घर का नाम मन्नत है, मेरे ख्याल से उसके पीछे भी कोई ना कोई अच्छा वजह इंटीरिया का ना, होगी। मुझे जहां तक लगता है, मैंने एक काफी टाइम पहले एक वीडियो देखी थी इनके हाउस की, अगर मुझे, मैं गलत नहीं हूँ, अगर मुझे थोड़ा थोड़ा याद पड़ रहा है कि वहां पर एक खास वो लगा हुआ है, जैसे वो नहीं होता बेल्ट टाइप, उसको कुछ कहते हैं जिसको, यार मेरे मुझे उसका नाम ही जहन में आ रहा है, जिसे हम कहते हैं कि कुछ भी अगर हमने लाइट ऑन करनी हो तो हम उसको बोलते हैं अच्छा, वो गूगल पे वो फ्लेक्सा या ऐसा कुछ उसका हाँ नाम है, अलेक्सा, 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 अलेक्सा ही हाँ है, अलेक्सा। अलेक्सा। तो वैसे ही उनका मुझे लग रहा है कुछ इंटीलिया इस टाइप का उनके घर में ऐसी कोई चीज लगी हुई है, तो अच्छा, उसको उसकी बेस पे नाम उसकी रखा हुआ है। जहां तक मुझे याद पड़ता है, मैं गलत भी हो सकती हूँ क्योंकि मेमोरी मेरी थोड़ी वीक ही है, और काफी सालों पहले मैंने ये वीडियो देखी थी, जब नया 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 मतलब उनका वायरल हुआ था घर, तब की बात है, कोई 5-6 साल पहले मैंने देखी होगी, तो इस टाइप का मुझे लग रहा है सीन। अब तो खैर उनकी बहुत सारी चीजें जो है वो वायरल हो हाँ, रही अभी है। रिसेंट हम लोगों ने वो देखा, नीता मुकेश अंबानी का जो कल्चरल वो था, वो हम लोगों ने देखा, वो इतना खूबसूरत है, और पता नहीं कितने उन्होंने क्या क्या चीजें उन्होंने है ना। बनाई नहीं है, जाहिर सी बात है इतने वो कहते हैं वेल ऑफ, और या मैं कहती हूँ एशिया ऐसे के लोगों को सबसे। होना भी करना भी चाहिए, अगर आपके पास इतना पैसा है तो आपको उसको जो है वो लगाना चाहिए, अपने कंट्री के लिए करना भी चाहिए, और हाँ फिर ये नजर भी आता है इनका हाँ कि आप। बिल्कुल। सो खैर ये था हमारा आज का रिएक्शन, होप सो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारे रिएक्शन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, और जो चैनल पे नहीं है जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। सो मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के साथ, तब तक हमें दें इजाजत। अल्लाह।